أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البطحي الأبطحي التهامي العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بن قاسم وآل بيت الطيبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا حاضرین آج اس تقریر کو معنون کیا جاتا ہے اس ذات گرامی سے جس کو دنیا امام ناطق جعفر صادق میں بانیان مجلس کی خوش نصیبی پر رشک کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے کو قائم کر کے سننے والوں کو یہ موقع دیا کہ وہ معرفت حاصل کریں اس امام کی جس کے دین پہ چل رہے ہیں. سبحان اللہ، نعرہ تلوار، یعنی جعفری باش گر خدا خواہ، جعفری باش گر خدا خواہ. اور پھر آپ کو علم کہ آپ کے بہت سے نام، فقط یہی نہیں کہ شیعہ ہیں، امامیہ بھی ہیں، عدلیہ بھی ہیں، فقط یہی نہیں کہ عدلیہ ہیں، بلکہ وہ بھی ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا رجعتیہ ہیں، یعنی رجعت کے قائل، فقط یہی نہیں کہ رجعتیہ ہیں، بلکہ وہ ہیں جنہوں نے دوست کے لیے دشمن کو چھوڑ دیا، رفض کرنے والے. بالکل اسی طرح دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ ہیں جو جعفری ہیں. اب آپ نے اپنے امام کی منزل کو دیکھا، علوی نہیں کہتے آپ کو، حسنی نہیں کہتے آپ کو، حسینی نہیں کہتے آپ کو، زندگی گزر رہی ہے ذکر حسین میں. جب آپ کو کہیں گے یہ جعفری ہے،
इमाम। तो ऐसे इमाम की मारिफत लग गई। मैं जब से मुवफ़क हुआ हूं इन तकरीरों के लिए, मैंने मुकद्दर भर कोशिश की है, बिसात भर चाहा है कि बात जरूरी मसाइल को इस सिलसिले में आपके सामने रखूं। कौम का इज्तिमाई हाफिजा ज्यादा कवी नहीं होता, खुद नहीं मालूम कि क्या कहा गया इस तारीख में साले गुज़िश्ता, क्या गुफ्तगू हुई साले पैवक्ता, मजलिसें हो रही हैं बराबर, मगर मैं चाहता हूं कि दिल लगा रहे बार बार इस गुफ्तगू से, शायद कुछ बातें याद रह जाए। एक बात और, 15 रजब की रात को उलमाए आलाम ने यह कहा है कि यह शबे शहादत इमाम जाफर सादिक है, और इसके बाद की जो तारीख एक और आती है उसमें लफ्ज़ बकौले है, यानी एक कौल ये भी है। लेकिन हजरत मूसब नजाफर के लिए इसी महीने की 25वीं तारीख को बिला इख्तलाफ तारीख का ऐलान है। तो मैं इसी बानी मजलिस की तरफ से ये भी ऐलान कर देना चाहता हूं कि हम जब हजरत सादिक के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे तो फिर 24 रजब का दिन गुजर जाने के बाद, जो फतह खैबर से मंसूब दिन है, 25 की रात को हम इसी मकाम पर हजरत मूसब नजाफर का भी तस्करा। और मैं चाहता हूं कि उस मजलिस का बड़ा खास ख्याल रखा जाए और अहबाब से कहा जाए कि वो आए सुने और समझे। इमाम सादिक सलावतुल्लाह अलैह के सिलसिले में गुफ्तगू को शुरू करते हुए उनके एक इरशाद से तकरीर का आगाज मुनासिब मालूम होता है। इरशाद फरमाते हैं, वो नजर बेकार है जिसमें एतबार न हो। वो नजर बेकार है जिसमें इबरत न हो। इबरत और एतबार एक ही माना है। लुगत में इबरत के माना है आईना, यानी इबरत कहते ही इसलिए हैं कि किसी का अक्स आईने में पड़े और आईना सामने रहे ताकि मालूम हो हकीकत क्या है, कैसे कैसे इनकलाब आए, बहार क्या है, खिजां क्या है, जवाल क्या है, उरूज क्या है, इकबाल क्या है, इजबार क्या है, ये इबरत है। इसलिए इबरत आईने को भी कहते हैं। रियाद फरमाया कि नजर बेकार है अगर नजर में इबरत न हो, सुकूत बेकार है अगर सुकूत में फिक्र न हो, कलाम बेकार है अगर कलाम में जिक्र न हो। तो अब इस एतबार से हम सब इबादत में हैं, कहीं से कलाम है जिसमें जिक्र है, कहीं सुकूत है जिसमें फिक्र है, और फिर सबकी नजर है जिसमें एतबार है। यहाँ इबरत भी है, जिक्र भी है, फिक्र भी है, इसलिए इबादत ही इबादत, इबादत ही इबादत है। जितनी देर आप बैठेंगे गोया आप इबादत ही में शरीक रहेंगे। अब आगाज फिक्र ये है कि हमारा अक्सर व बीशतर वक्त या फजाइल अली के बयान करने में गुजरता है या मसाइब हुसैन के बयान। ये क्या बात है जबकि
12 मासूम और हैं। ये क्या बात है जबकि 10 इमाम और हैं? क्यों मसरूफ नहीं रहती कौम इन तस्करों में? तो इस सिलसिले में हमारा अकीदा यह है कि जितने फजाइल बयान किए जाएं अली के, वो बाकी सारे आइम्मा के वही फजाइल हैं, वही फजाइल हैं। फतह खैबर है तो सबके लिए है, शबे हिजरत का बिस्तर है तो सबके लिए है, आए बरात की आयतों की तबलीग, सूरह बरात के आयतों की तबलीग है तो सबके लिए है, और इस तरह से ज़ुहद हो, इबादत हो, सकावत सबके लिए है। ये मेरा अपना कहा हुआ जुमला है, दोहराते हुए माजरत करता हूँ, मगर हदीस है, सुनना लाजिम है। उसूल काफी में इरशाद हुआ कि हम सब तीन बातों में बराबर हैं, हम सब तीन उमूर में बराबर। ये बातें आप सुन चुके हैं। इरशाद हुआ इल्म में, शुजाअत में, इबादत बड़ी अहम गुफ्तगू है। सिर्फ नाम लिया मासूम ने तीन सिफात का, इल्म, शुजात, इबादत। मतलब यह है कि अगर सारे फजाइले नफसी अमीर मोमिनीन के एक जगह जमा किए जाए तो या इल्म से मुताल्लिक होंगे, या इबादत से मुताल्लिक होंगे, या शुजात से मुताल्लिक होंगे। इन उमूर के अलावा कोई फजीलत बयान ही नहीं हो सकती, इसलिए असास फजाइल को मासूम ने लिया और कहा हम सब का इल्म एक है, हम सब की शुजात एक है, हम सब की इबादत एक है। अब सैयद सज्जाद उसी तरह से शुजा हैं जैसे हैदर। अब इमाम तकी जवाद 8 बरस के सिन में उसी तरह आलिम है जैसे इमाम जाफर सादिक। और इबादत की मंजिल सबकी एक है। रात में 1000 रकात हो तो पाप पियादा, सफरे खाने काबा हो तो इबादत सबकी एक, इसलिए सबका रुख हयात एक तरफ। समझने की कोशिश कीजिए, दो तकरीरें आपने मेरी सुनी, मगर उन तकरीरों का अंदाज बयान कुछ और था, इसलिए कि हम वलवले के साथ, जोश के साथ, हौसला मोहब्बत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आज की गुफ्तगू एक दावत फिक्र है, इसलिए कुछ थम थम कर, कुछ रुक रुक कर बयान करना पड़ता है ताकि जहनों में पैवस्त हो जाए। तो अगर पियादा पास सफर हज हो तो उसके माना ये कि सबों का यही हाल है। आबिद बीमार ने 20 हज किए पियादा पास, 20 हज किए पियादा पास, और नकाहत का वो आलम के मिनहाल बयान करता है कि मुझे देखकर जख्म पा पर कपड़ा डाल लिया। तो बहरहाल अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मशहूर सूफी है, दौरे सादिकैन का मशहूर सूफी है। इसने बहुत सों को अपने रास्ते पर डालने की कोशिश की। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक शागिर्द है हसन बसरी का। सूफिया किराम के शजरे रुश्द व इरशाद में बड़ी अहमियत का नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का। उसका बाप मुबारक वो खुद एक आला दर्जे का सूफी है। बयान करता है कि मैं खाने काबा के शौक में हज के चला और रास्ते में काफिले से दूर हो गया।
भटकता हुआ सहरा में फिर रहा था कि मैंने एक निहायत नातवान और ज़ईफ कमजोर नौजवान को देखा कि एक लकड़ी हाथ में है और पियादा पा बिरहना पा सफर कर रहा है। मैं हैरान हो गया कि इसके साथ न सामान है, न जाद राह है, न राहिल जबर है, न मुहाफिज है, न सवारी है, जाता कहाँ है। नजदीक जाके मैंने सलाम किया, मेरी सूरत देखी का क्या पूछना चाहता है, अर्ज की कहाँ से आ रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया मिनल्ला, कहाँ से आ रहे हैं। उस बुजुर्ग ने कहा मिनल्ला, अर्ज किया कहाँ का इरादा है, फरमाया इलल्ला। आप समझ रहे मिनल्ला यानी अल्लाह की तरफ से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं, फरमाया अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ। का ज्यादा राह नहीं है, सवारी नहीं है, आखिर खर्ज क्या है, फरमाया राहलती रिजलाया जादी तकवाया मकसदी मौला। का मेरी सवारी मेरे दोनों पांव, मेरा तोशा मेरा तकवा है, मेरा मकसद मेरा मौला। और ये कह के फरमाया अब वक्त जाया न कर, रास्ते को अब मुझसे अलग कर लिया। मैं हैरान था कि मैंने नाम नहीं पूछा। खाने काबा के तवाब के बाद मैंने देखा कि जू जू अरब और उलमा अरब एक बुलंदी पर जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ पहुंचा, देखा वही साहबजादा वहां बैठा हुआ है और ये सब के सब मसाइल पूछ रहे हैं। मैंने घबरा के एक से पूछा कौन है, का नहीं पहचाना, ये हुसैन का बेटा जैनुल आबिदीन। तो अब आपने देखा कि इबादत वो जो इल्म के साथ, जो मैं समझाना चाहता था, इबादत वो जो इल्म के साथ, इल्म वो जिसमें शुजात हो, तन्हा सफर शुजात है, अपने पांव पर भरोसा करना शुजात है, अपने तकवा को ज्यादा राह बनाना शुजात है, और फिर इबादत की मंजिल से फारिग होके दीन हक की तबलीग और तरवीज करना यह इबादत है। इबादत शुजात और इल्म सब में हम बराबर हैं। तो ऐसी मंजिल पर वो फिक्र याद रखिए, अगर हम फकत अली के फजाइल बयान करते हैं और हुसैन के मसाइब पढ़ते हैं तो वो सिंबोलिज्म है, यानी अलामतियत है, रमजियत है, इशारियत है। मतलब ये कि ये एक के फजाइल नहीं है, चौदह के फजाइल है, ये एक के मसाइब नहीं है, चौदह के मसाइब। और चूंकि ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आज आपके हवाले कर रहा हूं, इसको हमेशा याद रखिए, वो ये कि सिवा इस घराने के ये शरफ किसी और को ना मिल सका कि एक की फजीलत सबकी फजीलत बन सके। ये शरफ किसी और को न मिल सका कि एक की मुसीबत सबकी मुसीबत बन सके। ये इसी घराने का इफ्तिखार है और इसके सिवा किसी को ये जेब नहीं देता कि ये घराने वाले कहें हम सब का इल्म एक है। कोई और हो तो लाइए सामने, उलमा के किसी गुरोह को लाके खड़ा कीजिए, नस्लन बाद नस्लन किसी खानदान को लाइए जो ये कहे कि हम सब का इल्म एक है। तारीख में हम उन अफराद से भी वाकिफ हैं जहाँ बेटा फकीह है, बाप हाकिम वक्त है, बाप ने फतवा दिया है खिलाफ हुक्म रसूल तो बेटे ने कहा कि क्या बाप की मोहब्बत में रसूल को छोड़ दूं। नारे सलवा,
यह तफसील फिर कभी कि यह मसला कौन सा था और किस मसले के सिलसिले में ये किसने कहा, मगर रहन में रहे, एक खलिश रहे, कभी वक्त मिले तो पूछने की कोशिश कीजिए कि यह कौन है। फिर यह कि ज्यादा पुश्तें नहीं गुजरी बाप और बेटा, यहां 40 हिजरी से 260 हिजरी तक कुल बना मोहम्मद। अब इस मंजिल फिक्र पर हम पहले जुमले की तफसील से फारग हो गए, यानी कोई ये न कहे कि नाम तो 14 का है मगर फजीलत और मुसीबत सिर्फ दो ही अफराद की बयान की जाती है, उनको सुना दीजिए कि यह रमजियत है, यह इशारियत है, ये एक राज है कि जहां फजीलतें सबकी एक हैं, मुसीबतें सबकी एक हैं। इसलिए तय ये किया कि बस एक ही की फजीलत बयान करो, एक ही के जिक्र को मजलिसों की जीनत बनाओ, सब के सब उसी में आ जाए। तो अब 13 तारीख को फजीलत अली बयान करके 15वीं शब को एक ही दिन के बाद सादिक आले मोहम्मद का तस्करा करना, उसके माना यह नहीं है कि मैं आपकी फिक्र को एक दूसरी राह पर ले जा रहा हूं, मैं उन्हीं के एक और गोशाए हयात को पेश कर रहा हूं, अमीरुल मोमिनीन के एक और गोशाए हयात को पेश कर रहा हूं। यह जमाने तदवीन है, यह मैं कह चुका हूं, यह जमाने तदवीन है, यानी यहां शरा मुदवन हो रही है। तो जहां जहां मासूम रुकता है कारवां इंसानियत को आगे बढ़ाते हुए, वहां से दूसरा मासूम उस कारवां को लेके आगे बढ़ जाता है। अगर हुसैन इब्ने अली रुकते हैं दुआ पर तो सैयद सज्जाद अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं दुआ से, और अगर सैयद सज्जाद खत्म करते हैं अपनी जिंदगी को सूरह जुमर की उस आयत पर के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औरसना लर्ज़, अल्लाह का शुक्र है कि उसने जमीन का वारिस हमको बनाया, तो वहीं से इमाम बाकर अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं ये बतलाने के लिए कि यह शाही हमको डरा नहीं सकती, ये मुलुकियत हमको मरूब नहीं कर सकती, नाना के पैगाम को लेके हम आगे बढ़ेंगे, वारिस अर्ज़ हम हैं, हुकूमत हमारी है, कोई हुकूमत हमको नहीं डरा सकती, इसलिए जब तक दुनिया बाकी है सादिकैन का सिक्का बाकी रहे। अब सादिकैन के माना आप समझ गए, ये इमाम बाकर और इमाम सादिक को मिला के सादिकैन कहते हैं। उसूल काफी और फुरू काफी में इन्हीं हजरात से 16,199 हदीसें ली गईं, और अगर किसी मासूम का और तस्करा आया तो इसी शर्त से आया कि उस मासूम ने रिवायत की सादिकैन। तो ये वो दरियाए इल्म करम है कि जिनके मुताल्लिक सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि इमाम सादिक का एक ऐसा दौर है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर निजाम तसव्वुफ आगे बढ़ रहा है और हुकूमत सरपरस्ती कर रही है। हुकूमत यहूदियों की नहीं है, मजूसियों की नहीं है, नसरानियों की नहीं है, हुकूमत भी कलेमा गोयों की है, मगर कलेमा गो ये नहीं चाहता कि वो राह इख्तियार करे मुसलमान, कि जिस राह के इख्तियार करने के बाद बादशाहों के तईशात पर और उनकी अय्याशाना जिंदगी पर नुक्ता चीनी हो। चुनाचे बादशाहों ने सरपरस्ती उन लोगों की शुरू की जो खैर और शर को अल्लाह से मंसूब कर दें और ये कह दें कि नेकी और बदी किसी की न देखो, ये सब अल्लाह ही से मंसूब है। और ऐसे मौके पर सूफिया किराम ने सहारा पाकर जमींदोज खानकाहों में अपने निजाम फिक्र की तबलीग शुरू की और हुकूमत ने सहारा दिया, और ऐसे ही मौके पर सादिकैन ने ये तय किया कि अब वो कोशिश शुरू होगी कि जिस कोशिश से ये पता चल जाए कि किस तरह वारिसान किताब ने किताब को बचा लिया। वाँ 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 वाँ।
आपको मालूम है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, पस हमने वारिस बनाया किताब का उनको जिनको हमने अपने बंदों में से मुस्तफ़ा किया था, ये वारिस किताब है। अब ऐसे दौर में बताइए गुफ्तगू कहाँ से शुरू हो। ऐसे मौके पर गौर कीजिए कि गुफ्तगू को मासूम कहाँ से शुरू करे। यही मंजिल है कि मासूम ने यानी इमाम सादिक ने अपने मसाई को शुरू किया अक्ल की तारीफ से। यानी जितने इरशादात इमाम सादिक के अक्ल के मुतालिक मिलेंगे किसी और मासूम से इतने इरशादात आपको नहीं मिलेंगे कि अक्ल को समझो, अक्ल को पहचानो, अक्ल पर अमल करो, अक्ल का साथ दो। यहां तक के इरशाद फरमाया अस्सवाबु अला मियारिल अक्ल, अमल का सवाब भी अक्ल के मुताबिक मिलेगा। ये नहीं कि रात भर कोई सजदा करे और सवाब के लिए लड़े कि मुझे कम सवाब क्यों मिला। नहीं, अगर बेअक्ल है तो मिलेगा नहीं सवाब। ये मासूम की खास कोशिश है कि चुनाचे आप अहम तरीन किताबों में इस बहस को पाएंगे कि इमाम सादिक ने गुफ्तगू अक्ल से शुरू की। यही वजह है कि उसूल काफी ने अपनी किताब को इसी तरह से आपके सामने पेश किया है उसूल ने कि उसको किताबुल अक्ल से शुरू किया गया। यह मौजजा है इमाम सादिक का कि हमारी उसूल और फुरू की किताब अक्ल से शुरू होती है। किसी और फिरके में, किसी और मजहब में, दुनिया की किसी मकतब फिक्र में फिक्र को अकल से नहीं शुरू किया गया। अगर अकल पे गुफ्तगू भी की तो फलसफे ने की और आखिर में जाके की। यह आगाज अकल है। और इरशाद फरमाया, छोटा सा जुमला याद रखो, तीन लफ्जों का जुमला है, फरमाया अल अकल दलीलुल मोमिन। मोमिन की पहचान यह है कि अकल रखता है। मोमिन की पहचान यह है कि अकल रखता है। अकल दलीलुल मोमिन, मोमिन की शनाख्त यह है कि अकल है। अकल नहीं है तो मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है। नादानी में ईमान नहीं है, जज्ब में ईमान नहीं है, जुनून में ईमान नहीं है। बेगाना रवि और वारफ्तगी शौक में ईमान नहीं है। अकल से दूर हो जाने में ईमान नहीं है। फरमाया अल अक्लो दलीलुल मोमिन, मोमिन की दलील ही ये है कि अकल रहे, अकल रहे। और यही वो मंजिल, यही वो मंजिल है कि इब्न सिक्की हाजिर है खिदमत बासआदत इमाम रिजा में। दिगर सलवात इब्न सिक्कीत के मुताल्लिक मैं कभी कह चुका हूं, मुतवक्किल के बच्चों का उस्ताद है, मशहूर मुतकल्लिम है हमारा, मशहूर आलिम है, मशहूर नहवी है, मशहूर सरफी है। इब्न सिक्कीत को वक्त वाहिद में कत्ल कर दिया गया फकत इसी बिना पर के उसने कहा था कि हसन हुसैन का क्या तस्किरा, तेरे बच्चों से तो कंबर अफजल है। आपको याद आ गया ना, ये इब्न सिक्कीत है। तो इब्न सिक्कीत ने मासूम से पूछा कि इब्न रसूलुल्लाह अकल की अकल का काम क्या है। देखिए वहां तो बतलाया मोमिन की तारीफ यह है कि अकल वाला हो। इब्न सिक्कीत ने बेख्तियार उसके मसरफ को पूछा है, पूछा है कि अकल का काम क्या है, अकल का सर्फ क्या है, अकल के माना क्या है, कि क्या किया जाए। इरशाद फरमाया अल अक्ल बिही युसद्दिकु सादिकु अलल्लाह, वो बिही युकज्जिबुल काज़िब अलल्लाह। अकल का काम यह है कि अल्लाह पर सच कौन बोल रहा है, अकल तस्दीक करे। अल्लाह पर झूठ कौन बोल रहा है, अकल झुटलाए उसको, ये झूठा है ये सच्चा है। इब्न सिक्कीत ने खड़े होकर हाथों को चूम लिया का वल्लाही हाजा हुअल जवाब, खुदा की कसम जवाब हो तो ऐसा।
अब आपने देखा अकल का काम क्या है, अकल बतलाए कि सच्चा कौन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना बड़ा काम मिल गया अकल के जिम्मे, सच्चे को पहचाने और फिर सच्चे की तारीफ कर दी। सच्चा वो जो अल्लाह की तस्दीक करे, इरशाद इलाही की तस्दीक करे, झूठा वो जो अल्लाह पर झूठ बोलने की कोशिश करे। उन्होंने कहा वल्लाही हाजा हुअल जवाब। तो ऐसी मंजिल पर मासूम ने अपनी गुफ्तगू को शुरू किया कि देखो ये अकल की दौलत को पहले पहचानो। इसके बाद एक अजीब बात यह है कि इमाम सादिक ने, देखिए एक बात अर्ज करूं, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, आप घबराएं नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि मैं बहुत ही आहिस्तगी के साथ इस तकरीर को जारी रख रहा हूं, फकत इसलिए कि बहुत से अहम उमूर हैं उनको समझना जरूर है। इस वास्ते कि अगर खामोशी में फिक्र न रहे तो वो खामोशी बेकार है, और आप सब सुकूत के साथ सुन रहे हैं तो फिक्र भी साथ साथ रहे, फिक्र भी साथ साथ रहे। देखिए अजीब बात यह है कि अक्ल के इस इजहार व ऐलान के बाद कि अक्ल से काम, मासूम कयास को रोकता है कि कयास न करो, दीन में कयास न करो, अक्ल को मुहकम करके सूफिया का रद किया, कयास को बातिल करके फुकहा को तबाह कर। अब सारे फुकहा कयास कर रहे थे कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, तुम्हें कयास से काम नहीं चलता, कयास से काम नहीं चलता है, और इस एतबार से हमेशा इंसान अकल से तस्दीक करे नबी, और जब तस्दीक कर दे तो हुक्म नबी को नस मानकर मासूम से पूछे कि मुद्दाए नस क्या है, और जब मासूम हिदायत करे तो फिर कियास की जरूरत नहीं है, मासूम का हुक्म मौजूद है। मासूम का हुक्म मौजूद है, इसलिए दूसरी कोशिश इमाम सादिक की है कि कियास पर अमल न हो बल्कि आपको हुक्म मिले, नुसूस मिले, यह दूसरी कोशिश। तीसरी कोशिश इमाम की यह है कि सुनने वाले जब मुझसे सुने तो उसको सिर्फ सुने ही नहीं लिखें। यही वो दौर है कि जिसमें 400 उसूल तैयार हुए, उसूल अरबा मियां, और यही किताबें लिखी गई, सबसे ज्यादा किताबें आबान इब्ने तगलब ने लिखी। ये मशहूर रावी है इमाम सादिक का कि जिसके हम मरहून मिन्नत हैं, आबान इब्ने तगलब, और उसके बाद बैत आयुन है, बैत के माने घराना, यानी आयुन का घराना है, हुमरान इब्न आयुन, ज़ुरारत इब्न आयुन, ये वो हैं कि जिन्होंने इमाम के अकवाल को, इरशादात को लिखा और कहा कि हम इमाम की खिदमत में गए थे, इमाम ने ये कहा। असल उसको कहते हैं कि जिसमें रावी अपनी तरफ से कोई इजाफा ना करे, ये उसूल हमारे पास मौजूद है। और इस तरह इमाम ने अपनी मसरूफ जिंदगी में तफसीर, तिब, फलसफा, कलाम और जितने उलूम उस दौर में राइज थे सब में एक मियाना रवि और एक राह इक्तसाद बतलाई और कहा कि किसको किस तरह से हासिल किया जाए। और यही वो दौर है कि अब गुफ्तगू खात्मे पर पहुंच रही है, हम आने वाली अपनी तकरीर में इस सिलसिले को जारी रखेंगे, इसलिए कि इमाम सादिक के बाद ही दौरे इमाम मूसी काज़िम, उनको भी समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो ये वो जमाना है कि जो सन 83 हिजरी से शुरू होकर 148 हिजरी पर खत्म होता है, यानी इमाम सादिक की जिंदगी 65 साल की है। 12 बरस अपने दादा के साथ रहे हैं, 12 बरस इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ रहे,
19 बरस अपने पदर गिरामी के साथ रहे। यानी जब 31 बरस का सिन था तो इमाम बाकर की शहादत का, 31 बरस का जब सिन था तो इमाम बाकर की शहादत वाकई हुई है। और मैं कभी अर्ज कर चुका हूं इमाम बाकर के खसूसियात में के बावजूद इसके के इमाम बाकर मदीने में थे और तमाम आपके अज़्ज़ा वक्त शहादत मौजूद थे, फिर भी इमाम सादिक को अपने नज़दीक बुलवा के ये कहा कि बेटा मैंने अपने माल से कुछ माल वक्फ कर दिया है, फकत इसलिए कि हर साल जमाने हज में हाजियों को कहा जाए कि मकाम मिना पर 10 बरस तक मेरा मातम किया जाए। यह नस मासूम है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सिवा हुसैन के किसी और के लिए रोना नहीं चाहिए। यह नस मासूम है, हर इमाम की मुसीबत है, हर इमाम के लिए रोना है। इमाम सादिक के विसाया में से यह है कि 10 बरस तक मेरा मातम किया जाए। मासूम एक माल को वक्फ कर रहा है मातम करने वालों के लिए, माल को वक्फ कर रहा है इमाम गम करने वालों के लिए कि मेरा मातम कहां किया जाए, हज के मौके मीना के मकाम पर। यह इमाम बाकर का हुक्म था इमाम सादिक के लिए। क्यों क्यों आपने यह नहीं कहा कि हुसैन की मजलिस की जाए? क्यों यह नहीं कहा कि इमाम जैनुल आबिदीन का तस्करा किया जाए? बात सिर्फ इतनी थी कि इमाम बाकर करबला की आखिरी कड़ी है, इसलिए याद करवाया कि मैं करबला की आखिरी कड़ी हूं। यानी इमाम बाकर को जिसने याद किया उसने गोया और नजदीकी के साथ देखा यजीद के दरबार पे, इसलिए कि इमाम बाकर भी दरबार यजीद में है। कुछ आपके जहन में आया, इसको जहन में रखिए, यह दोबारा कह रहा हूं। बहरहाल इमाम सादिक ने 12 बरस अपने जद के साथ, 19 साल अपने पदर गिरानी के साथ और 34 साल इमामत के सिलसिले में तबलीग के लिए आपने सर्फ किए। इस तरह से सिन अकदस 65 बरस का। इमाम ने बनी उमैया के दौर को उलटते हुए देखा। इमाम ने एक बहुत बड़े खानदान की तबाही को देखा, एक पूरी हुकूमत उलट गई, एक दूसरी हुकूमत का दौर इमाम के सामने शुरू हुआ और उसमें भी दो ताजदार आए। इमाम ने उस तरफ वलीद इब्ने अब्दुल मलिक से लेकर मरवान हिमार तक के जमाने को देखा है और इधर अबुल अब्बास सफ्फाह और मंसूर के अदवार को देखा है। चूंकि हुकूमतें मुनकलिब हो रही थी, इमाम मसरूफ था इस अमर में, इमाम मसरूफ था इस अमर में कि किसी सूरत अब यह मोहलत इस तरह से सर्फ हो कि कयाम कयामत तक यह मोहलत कदर का जमाना बन जाए, कदर का जमाना बन जाए। और इस कदर के जमाने में आज आपके पास जो कुछ है, आज आपके पास जो कुछ है, यानी अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, अगर आप हज कर रहे हैं, अगर आप ज़कात दे रहे हैं, ये सब सादिक आले मोहम्मद का सदका है। आप नहीं, आलम इस्लाम, आलम इस्लाम। इसलिए कि दुनिया के फुकहा ये कहते हैं कि हमने हज के मनासिक सीखे सादिकैन से, हमने मालूम किया कि हज में क्या करना चाहिए इमाम बाकर और इमाम सादिक। तो सारे अहकाम इसी दौर में हमको मिले और इस दौर की अहम तरीन एक खसूसियत, और अब उसके बाद दो वो खसूसियत ये कि अब देखिए इमाम अपने दौर में हाकिम कुल होता है, इमाम अपने दौर में आमिर होता है, साहिब अमर होता है,
بہرحال امام کے تصرف و اختیار کی کوئی حد نہیں ہے, وہ مادت المواد پہ حکومت کرتا ہے. اولو الامر ہے, اگر امام آپ کے سامنے ہو اور آپ سے کہہ دے یہ گھر تمہارا گھر نہیں ہے تو نہیں ہے, صاحب امر ہے وہ. اگر امام کسی زمیندار کی زمین پہ پہنچے اور کہے یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو پھر نہیں رہی. یہ امام ہی کو حق ہے کہ کسی شوہر سے اگر یہ کہے کہ یہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو طلاق واقع ہو گئی, ابوت کو منقطع کر دے, بنوت کو منقطع کر دے, زوجیت کو منقطع کر دے, ملکیت کو منقطع کر دے. اولا بالتصرف ہے, یہ معنی دنیا کے سمجھ میں نہیں آئے, اس لیے دنیا نے لفظ مولا کو پسند نہیں کیا. علی جان رہے تھے کہ مولا کے کیا معنی. الاسو اولا بکم بانفسکم, کیا میں تمہارے نفوس پر اولا بالتصرف ہوں کہ نہیں ہوں؟ تم کو اپنے آپ پر اتنا اختیار نہیں ہے جتنا مجھے اختیار ہے, اور اگر مجھے اختیار ہے تو اس کو اختیار, اور اگر اس کو اختیار ہے تو ہر آنے والے امام کو اختیار. امام اولا بالتصرف, امام اولا بالتصرف ہوتا ہے. تو یہ اولا بالتصرف امام کے لیے ممکن ہے کہ جو کچھ چاہے اپنے لیے کہے. میں کہاں سے تمہید لا رہا ہوں, یہ اولا بالتصرف ہے. دنیا میں کسی کو کچھ دیر کے لیے حکومت مل جائے تو وہ یہی کہے گا میرا نام رہے, میرا نشان رہے, میرا ذکر رہے, میری گفتگو رہے, اتنی عمارتیں میرے نام سے منسوب ہوں, یہ مقامات وہ ہوں جہاں میرا تذکرہ رہے. یہ مگر یہ اولا بالتصرف وہ ہے کہ جو صرف ساری کوشش یہ کر رہا ہے. تم گئے تھے زیارت حسین کو, یہ امام صادق, تم نے کوئی قصیدہ کہا حسین کے لیے؟ تم نے کوئی نظم کہی ہے حسین کے لیے؟ چاند محرم کا دیکھا؟ راوی بیان کرتا ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ پکار کے پوچھا کوئی ہے مرثیہ کہنے والا میرے گھر؟ اولا بالتصرف ہے. اور آپ سب کو یاد ہے, مگر سن لیجئے, یاد رکھیں, راوی کہتا ہے کہ میں مرثیہ گو نہیں تھا, مرثیہ خاں تھا, یعنی میں کہہ نہیں سکتا تھا شعر, پڑھ سکتا. اس کو عربی میں منشد کہتے ہیں, میم نون شین دال, منشد. میں منشد تھا, میں نے عرض کیا میں میرا کہا ہوا تو نہیں ہے کسی اور کا کلام ہے, کہا میں یہی چاہتا ہوں, ادھر آؤ. غلام سے کہا ممبر رکھو, اور کہا جاؤ ممبر. راوی کہتا ہے کہ امام ممبر کے نیچے بیٹھ گئے, یہ محرم کی پہلی تاریخ. شیخ صدوق بیان کرتے ہیں, یہ امالی سے پڑھ رہا ہوں, کہ میں نے چاہا کہ شروع کروں مرثیے کو کہ پھر روکا. غلاموں کی طرف اشارہ کیا, غلام سمجھ گئے کہ بے اختیار. منشد کہتا میں نے دیکھا کہ مجمع سے دور ہٹ کر ایک چادر کو باندھ دیا, میں سمجھ گیا کہ شہزادیاں آ رہی ہیں, اب سیدانیاں آ رہی ہیں, اور ایسے میں میں نے حسین ابن علی کے لیے مرثیہ شروع کیا. راوی کہتا ہے, منشد کہتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ امام رونے لگے اور پکار کے رو, میں چاہا کہ رک جاؤں, روتے روتے سر کو بلند کر کے کہا رکنا نہیں. وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے قصیدے کے اپنے مرثیے کے شباب پر تھا تو اب میں دیکھا, یہ عجیب بات ہے, یہ شیخ صدوق کے الفاظ ہیں, کچھ سبق ہے اس میں. وہ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مجمع تو میرے سامنے ہے ہی, مگر میرے کانوں میں سیلانیوں کے رونے کی آواز. میں نے کہا اتنا آوازیں بلند ہیں
कि ये मर्द सुन रहे हैं बीबियों की आवाजों को। मुझे गैरत गालिब हुई, मैंने मरसिए को बंद किया। इमाम ने मेरी तरफ देख के कहा क्यों रुक गया? कहा फरजंद रसूल शहजादियां रो रही है। कहा इनको भी तो सुना रहा हूँ। ये इमाम सादिक तो हमारी मजलिसों का क़याम, हमारी मजलिसों के का इस्तक़लाल, हमारी मजलिसों की बका की जिम्मेदारी इमाम सादिक पर है। इमाम सादिक पर आप करबला जाते हैं, क्या पढ़ते हैं? वही पढ़ते हैं जो इमाम सादिक ने कहा। आप हुसैन पर अगर सलाम करते हैं तो वही सलाम करते हैं जो इमाम सादिक ने कहा है। ये जो आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतिल्लाह, ये इमाम सादिक का कलाम है। हर जियारत एक इल्म है और ये सब इमाम सादिक का इल्म है। आप जियारत में कहते हैं अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असलाब शामिका वल अरहाम अल मुतहरा लम तुनजिसकल जाहिलियतु बिअंजासहा, ये इमाम का इरशाद है। आप जियारत पढ़ते हैं अमीरुल मोमिनीन की, ये इमाम सादिक का इरशाद है। आप जियारत पढ़ते हैं मुस्लिम ने अकील की, ये इमाम सादिक का इरशाद है। आप जियारत पढ़ते हैं हजरत अब्बास की, ये इमाम जाफर इमाम है, औलाद तसर्रुफ है, मगर हुक्म दे रहे मेरे चचा को ना भूलो। कुछ आप महसूस कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह अल्मुती लिल्लाह वल रसूल, ये इमाम सादिक की लिखवाई हुई ज़ियारत है। लिखवाई हुई, लिखो जब अब्बास की जियारत को जाना तो यूं सलाम, आदाब जियारत बतलाए, आदाब जियारत बतलाए। रावी ने पूछा फरजंद रसूल जियारत का सवाब, फरमाया मैं जामिन हूं, मैं जामिन हूं, घबराना नहीं। अव्वलीन और आखरीन में किसी की मजाल नहीं है कि कोई आपके बख्शिश की जिम्मेदारी ले। अव्वलीन और आखरीन में किसी की मजाल नहीं है कि कोई आपके शफाअत की जिम्मेदारी ले, और मैं जामिन हूं उसकी बख्शाइश। कोई फकीर, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कोई आलिम यह नहीं कह सकता कि महशर में हम तुमको बचा लें। और यही है इमाम सादिक का इरशाद कि जिसने आज इस दुनिया को छोड़ा है, इरशाद फरमाया कि दुनिया में तुमने बहुत जुल्म किया मेरी दादी पर, में तुमने बहुत जुल्म किया मेरी दादी पर, मगर शेख सदूक लिखते इमाम ने फरमाया मेरी दादी का जलाल महशर में देखो, मेरी दादी के जलाल को महशर में देखो। तो याद फरमाते जब मेरी दादी आएंगी, देखिए ये घर कितना नजदीक है एक दूसरे से, इस घर में कितना कुर्ब है एक दूसरे से। मेरी दादी यानी फातिमा जहरा का जिक्र कब तक रहेगा आले मोहम्मद में? मेरी दादी जब आएंगी क़यामत, अम्बिया मुरसलीन मलाइका मुकर्रबीन से हैरत से पूछेंगे ये कौन आया, ये कौन आया? मलाइका बाअदब होकर जवाब देंगे मोहम्मद की बेटी आ रही है, मोहम्मद की बेटी आ रही है। ये इमाम सादिक के अल्फाज हैं, मोहम्मद की बेटी आ रही है। और ये सुनी हुई रिवायत है, मगर सुनो और याद रखो इसलिए कि आज की रात से मुताल्लिक है। ये इमाम सादिक का इरशाद है, कहाँ आएंगी? इस शान से आएंगी कि हजारों हूरिये साथ साथ होंगी, नूर की सवारी होगी, नूर का नाका होगा, नूर के पर्दे होंगे, दुनिया हैरान होगी कि अरसे महशर में किस शान से मोहम्मद की बेटी आ रही है। क्या ऐसे हमें खत्मी मर्तबत इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ेंगे और नाके के करीब जाएंगे, हूरी या पर्दे महमिल को उठाएगी, फातिमा अपने पदर गिरामी की खिदमत में तस्लीम बजा लाएगी, मोहम्मद दुआ दे के कहेंगे बेटी आज जलाल न रहे, फातिमा आज गजब न रहे, फातिमा आज रहमत से काम लेना है, फातिमा आज उम्मत के गुनहगारों को बख्शाना है।
फातिमा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटी, कोई है अजबाब शफात में, कोई है सामान्य शफात में। इमाम सादिक का ये जुमला है कि कहेगी बाबा आप न कर रहे हैं, कफाना लिशफात यदाने मक्तूअताने लवलदी अल्लाह, बाबा हमारे लिए काफी है मेरे बेटे अब्बास के दो कटे हुए। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, खुदावंदा हमको कामिलुल ईमान, हमारे हवाइज दीनी और दुनियावी बरला, हमारे अमवात को बख्श, हमारे जिंदों पर रहम, हमारे बीमारों को शफा अता, हमारे परेशान हालों को सुकून अता, ताजील फरमाओ।